इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती सरिता अरविंद जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती अमृता जैन धुले महाराष्ट्र, दाहीबेन कस्तूर चंद शाह कडियादरा, श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी जैनम बोरीवली मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जैन, पुत्र दीपक जैन, अभिषेक जैन, पुत्र वधु श्रीमती सानिका जैन, पौत्री हवी जैन, सेक्टर 21 गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती मंजू जैन धर्मपत्नी दीपक जैन, नितिन निधि जैन यूएसए, नीलू आशीष जैन, इशिता ईशान आरिश, राजविला 22/A गीतानगर इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती रविकांत जैन कलकत्ता वाले, जैनेन्द्र कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, रोहिणी दिल्ली, पुष्पा जैन, अर्चना जैन, आरती जैन, अमन जैन, रोमित जैन, आरव जैन, चामुनिया परिवार टोंक राजस्थान, श्रीमती हीरा देव, कमला देवी, शोभा देवी, मीना देवी, इंदिरा देवी छाबड़ा एवं सोमी देवी कलकत्ता, श्रीमती मनभरी देवी, चंदा देवी, शोभा देवी छाबड़ा, सुलोचना बाकलीवाल, सरोज सेठी एवं मीना पाटोदी, जियागंज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर 1 वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान, जय जिनेल अठ विह कम मोके अठ गुण ढे अणोव मे सिद्धे अठम पुण विण विठे निठिय कज्जेय वंदे मोणिचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में सच्चे देव के बारे में कहा था जो 18 दोषों से रहित हो। 18 दोष कौन से होते हैं? तो आचार्य आज हम जो गाथा पढ़ा रहे हैं पहली, उसमें 18 दोषों का वर्णन कर रहे हैं। चुह तन भीरु रोसो रागो मोह चिंता जरा रुजा मिचु सेदम खेद मदोरई बिम्मियणि दाजनो वेगो। एक एक शब्द ध्यान से देखें, शब्द थोड़े कड़े हैं आज के। छुह माने क्षुधा, क्षुधा माने भूख लगना, तर्ण माने तृषा प्यास की बाधा होना, भीरु भीरु माने भय, भय माने डर लगना, और रोष रोषो माने गुस्सा माने क्रोध। चार 18 दोषों में से चार का वर्णन इसमें हुआ। रागो राग, मोहो माने मोह, चिंता माने चिंता, जरा माने बुढ़ापा, रुजा माने रोग, और मिच्छु माने मृत्यु। 18 दोषों का वर्णन है। इस एक गाथा में 18 पूरे के पूरे दोष आ गए। देखिए कितनी अच्छी गाथा है। और सेदम माने स्वेद, स्वेद माने पसीना, खेद खेद माने थकावट, मदो माने घमंड, रई माने रति, वस्तु का अच्छा लगना, इसे कहते हैं रति। बिम्मीय माने विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य, निद्रा 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 माने नींद, जनु वेगो अर्थात जन्म और अरति, जन्म और उद्वेग, उद्वेग माने अरति, अरति माने वस्तु का अच्छा नहीं लगना। पंडित जी, विश्व में इतने भगवान हैं, इनमें से हम सच्चा देव किसको माने? आचार्य कुंद महाराज ने गाथा में स्पष्ट बोल तो दिया था, पिछली ज्ञानशाला में हुआ था, 18 दोष वज्जिए देवे, जो 18 दोषों से रहित है वह सच्चा देव है।
अब जितने भगवान विश्व में पूजे जाते हैं सब में देख लो, अगर कोई भगवान पैदा हुए और मरते हैं, जन्म मरण करते हैं, कैसे, कुछ भगवान भोजन करते हैं, कुछ भगवान नींद लेते हैं, कुछ भगवान सोते हैं, सुबह उठते हैं, उनको तरह तरह के स्नान वगैरह कराते हैं, उन्हें स्नान करते हैं, अगर ऐसा है, किन्हीं भगवानों को गुस्सा आती है और ऐसी गुस्सा आती है कि सामने वालों को भस्म कर दें, अब उनको हम भगवान कैसे कहें। 18 दोष जिनमें हैं वे भगवान नहीं, और अगर आप निकलेंगे ना और सही तरह से परीक्षा करेंगे, देखें तो सही इतने सारे देव विश्व में हैं, ये कैसे हैं, ये तो सोते हैं, ये सुबह नाश्ता भोजन करते हैं, ये कैसे हैं, इनको तो गुस्सा बहुत आती है, ये कैसे हैं, इनके पास तो परिग्रह है, कपड़े पहनते हैं, ये भगवान, इनके तो पत्नी है अपनी, नहीं नहीं ये भी नहीं। आप अपने आप निर्णय करो ना, और फिर जरा देखो ना कि जो अपने भगवान हैं वीतराग सर्वज्ञोपदेशी, इनके पास क्या है, एक भी दोष नहीं मिलेगा। अब सोचें आप, जिनमें दोष हो वे भगवान, जिनमें दोष नहीं हो वो भगवान। जैनी दो तरह के, एक जैनी वो जो इसलिए जैन धर्म मानते हैं क्योंकि उनके पिताजी मानते थे, उनकी माँ मानती है, उनके दादा मानते थे, इसलिए वो जैनी पक्के जैनी नहीं। जैनी उन्हें कहते हैं जो परीक्षा प्रधानी हो, इनको देव मानो। क्यों मानो, इसलिए मानो इनमें कोई बुराई, कोई खराबी, कोई दोष नहीं है। अन्य को देखा इनमें दोष हैं, नहीं नहीं मेरा मस्तक नहीं झुकेगा। इसलिए 18 दोषों से रहित जो होते हैं वो देव हैं और वो ही पूज्य हैं। और ये परिभाषा किस में घटित होगी, जो अरहंत भगवान हैं वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, वे ही सच्चे देव हैं, अन्य नहीं। हम जैनी लोग कुछ जैनी देवी देवताओं की, शासन देवताओं की पूजा करते हैं, इनमें भी तो 18 दोष हैं। जब इनमें 18 दोष हैं तो ये पूजनीय कैसे हो सकते हैं, इनको हम देव माने, सच्चे देव पूजनीय नहीं मान सकते। सही निर्णय बना लो, जिनमें 18 में से एक भी दोष है वे सच्चे देव की कोटि में नहीं और वे पूजनीय नहीं होते। पंडित जी, मरण तो अरहंत भगवान का भी होता है, फिर उनमें दोष हुआ कि नहीं? मरण उसे कहते हैं जिसके बाद जन्म हो, शरीर छूट गया, अब नया जन्म धारण नहीं, तो जन्म मरण की परंपरा का नाश हो गया, उसको मरण नहीं कहते। आचार्यों ने यद्यपि केवली भगवान के अंतिम शरीर छोड़ने को भी पंडित पंडित मरण कहा है। मरण क्यों कहा है, बस शरीर छूटने का नाम मरण है, पर वास्तव में मरण कौन सा है, जिसके बाद जन्म हो। हम और आपका जो जन्म मरण है ये जन्म मरण है, अब मरेंगे फिर जन्म लेंगे, मरेंगे फिर जन्म लेंगे। केवली भगवान को तो सिद्ध ही बनना है, जितने केवली हैं, जितने अरहंत भगवान हैं, सब सिद्ध बन गए, ऊपर सिद्धालय में विराजमान हैं, अतः उनका शरीर तो छूटा है पर मरण दोष नहीं माना जाएगा। पंडित जी, सुनते हैं कि अरहंत भगवान भोजन नहीं लेते, उनका शरीर कैसे चलता है? 18 दोषों में से पहला दोष है क्षुधा, माने भूख लगना, और अरहंत भगवान भोजन तो करते होंगे, और भोजन जब होता है तो भूख लगने पे होता है, तो आपका ये पूछना है तो अरहंत भगवान में दोष हुआ कि नहीं हुआ, पर नहीं ऐसा नहीं। पहले ये सोचें, ये जो भूख लगती है ये किस कारण से लगती है, ये लगती है असाता वेदनी के उदय से, और असाता वेदनी कब कार्यकारी होती है, जब मोहिनी भी साथ में हो, अगर मोहिनी नहीं तो असाता वेदनी कार्यकारी नहीं होती। अरहंत भगवान के मोहिनी कर्म नष्ट हो चुका, जब नष्ट हो गया तब फिर भूख लगने का क्या काम, उनको भूख नहीं लगती। अब आपका प्रश्न दूसरा खड़ा हो गया, जब आहार नहीं करेंगे तब शरीर कैसे चलता होगा, ठीक,
पहली बात ये समझें, आपके इस शरीर को कितने आहार मिलते हैं? दो आहार मिलते हैं। ये शरीर जो बना है ये क्या है? ये नौकर्म वर्गणा है। हम प्रति समय समय प्रबद्ध माने अनंत अनंत नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, उससे ये शरीर मेंटेन होता है। अब हमारे शरीर में अनंत जीव राशि भरी पड़ी है, निगोदिया और तरस, वो हमारे शरीर को कुछ न कुछ भोजन के रूप में बनाते हैं, कुछ न कुछ खाते हैं, इससे हमारा शरीर डेप्रिशिएट होता है, डाउन होता है। उसको ऊंचा करने के लिए, उसको एप्रिशिएट करने के लिए हम ऊपर से आहार और डालते हैं। जितने केवली भगवान होते हैं उनके शरीर में 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में कोई जीव नहीं बचता। जब कोई जीव नहीं बचता और डेप्रिशिएट नहीं होता उनकी बॉडी का, तब फिर उसको एप्रिशिएट करने के लिए फिर कबलाहार करने की ज़रूरत ही कुछ नहीं है। और शरीर मेंटेनेंस के लिए नौकर्म वर्गणाएँ प्रति समय ले ही रहे हैं, इसलिए उनके नौकर्माहार हैं पर कबलाहार नहीं। कबलाहार भूख लगने पे होता है, नौकर्माहार तो स्वयमेव होता है। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, शरीर को औदारिक वर्गणाएँ मिलेंगी, उनसे शरीर मेंटेन होगा। इसलिए केवली भगवान के आहार नहीं होता, उनके क्षुधा नाम का दोष होता ही नहीं। श्वेतांबर परंपरा में केवलियों को आहार माना गया है, लेकिन वह आगम सम्मत नहीं। अगर वो मानेंगे तो 18 दोषों से रहित भगवान कैसे माने जाएंगे? पंडित जी, जो लोकांतिक देव है, सर्वासिद्धि के देव है, उन्हें क्या हम सच्चे देव माने या नहीं? सोचो, क्या लोकांतिक देव या सर्वार सिद्धि के देवों का जन्म मरण समाप्त हो गया? क्या वे मनुष्य पर्याय में आके मनुष्य बन के तपस्या नहीं करेंगे, जन्म मरण नहीं होगा? होगा। क्या उनके कंठ में भूख लगने पे अमृत नहीं झरता? झरता है। क्या वो श्वास नहीं लेते? लेते। सब दोष मौजूद हैं। जब दोष मौजूद हैं सच्चे देव की कोठी में नहीं आते। हमने माना वे सम्यक दृष्टि देव हैं। देखो, अपने जैन समाज में ऐसे भी अभी लाखों अज्ञानी हैं जो रागी द्वेषी अन्य देवताओं को, जो यक्ष यक्षिणी है उनको ही देव मान के बैठे हैं और उनको देव मान के पूजा करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, आरती करते हैं, गंधोदक लेते हैं। मैं कहता हूँ उनकी तो खैर बात ही छोड़ दो। अब मैं कहता हूँ, अच्छा लोकांतिक सर्वार सिद्धि के देव, इनको तो देव मान लो, ये तो अगले भव में मोक्ष जाने वाले हैं, बस एक भव लेना है। लोकांतिक देव, सर्वार सिद्धि के देव मनुष्य बनेंगे, मोक्ष जाएंगे, इनको तो हम सच्चा देव मान लें। आचार्य कहते हैं नहीं, इनको भी नहीं, इनका भी जन्म मरण होना है। तो भाइयों जरा सोचो, जब लोकांतिक और सर्वार सिद्धि के देवों की पूजा की आज्ञा नहीं है आगम में, तो यक्ष यक्षिणियों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा कहाँ से हमने सीख ली? हम जैनी कैसे कहें कि हम जैनी हैं? जैनी हैं तो हम आचार्य कुंद कुंद की बात तो सुने। इसलिए चाहे लोकांतिक देव हो, चाहे सर्वार सिद्धि के देव, चाहे सौधर्म इंद्र हो जो अगले भव में मोक्ष जाने वाला है, कोई भी हो, कोई देव नहीं। 18 दोषों से रहित, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, तीन विशेषण याद रखने। जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, वही सच्चा देव है, वही हमारे द्वारा प्रणम्य है, अन्य नहीं। अब प्रश्न उठा, इससे सम्यक दर्शन किन कारणों से होता है? कारण दो प्रकार के होते हैं, एक बहिरंग कारण निमित्त रूप, एक अंतरंग कारण। तो यहाँ आचार्य ने अगली गाथा में दोनों कारणों की चर्चा की है। सम्मत सन्निमित्तम् जिनसोत्तम तस् जाने पुरिषा अंतरहेउ भणिदा दंशन मोहस्य खय पहुदी। सम्मतस्, सम्यक दर्शन के, सम्मत माने सम्यक दर्शन,
और सम्मतस्य अर्थात सम्यक दर्शन के निमित्त माने कारण साधन क्या है, जिन सूत्रम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए सूत्र माने शास्त्र, और कौन कारण है, तस् माने उसके, जानिया जानने वाले पुरुष। अर्थात सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है, या तो जो जिन शास्त्र हैं भगवान का उपदेश है उसको पढ़ने से, या जो उसके जानने वाले पुरुष हैं उनका उपदेश सुनने से, या उनके द्वारा सात तत्व नौ पदार्थ समझने से सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन के निमित्त माने कारण है जिन सुत्त अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया उपदेश या शास्त्र, और उसके जानने वाले पुरुष। ये क्या हुए, बहिरंग कारण। और अंतर हेउ, अंतर माने अंतरंग, हेउ माने कारण, भड़िदा माने कहे गए हैं। अंतरंग कारण क्या है, अंतरंग कारण कहे गए हैं दर्शन मोह आदि का, क्षय माने क्षय, पहुदी माने प्रवृत्ति माने आदि। अर्थात दर्शन मोहनी का उपशम हो, क्षय हो, क्षयोपशम हो, इसके लिए शब्द दिया पहुदी, पहुदी माने आदि। बहिरंग में ये साधन मिले और इसमें हम अपना ज्ञान श्रद्धान इतना अच्छा बना लें कि अंतरंग में दर्शन मोहनी का उपशम छय क्षयोपशम हो जाए, तो ये अंतरंग कारण कहे गए हैं। दोनों कारण जब मिलेंगे तब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। पंडित जी, किन शास्त्रों को सम्यक्तम कारण कहा है? शास्त्र कुछ ऐसे भी हैं जो वर्तमान में अनेकांतवादी नहीं एकांतवादियों के द्वारा लिखे गए हैं, उन्होंने उन शास्त्रों का अर्थ तो ठीक लिखा लेकिन भावार्थ में अपना पक्ष अपना मत प्रवेश करा दिया है, नहीं उन शास्त्रों को नहीं पढ़ना। ऐसे एकांतियों के शास्त्र सम्यक्तम कारण नहीं होते। तो सम्यक्तम कारण कौन से शास्त्र हैं जिनमें शादवाद अनेकांत से सात तत्व नौ पदार्थों को अच्छी प्रकार समझाया है। अगर हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे हमें ज्ञान कैसे होगा, और जब ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धान कैसे करेंगे। हमेशा पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान, श्रद्धान होने पर वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, अन्यथा ज्ञान ज्ञान मात्र है, श्रद्धान नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान नहीं होता। इसलिए क्योंकि शास्त्रों के द्वारा सात तत्व नौ पदार्थों का ज्ञान होता है, इसलिए जो सच्चे शास्त्र हैं वे सम्यक्तम कारण हैं। पंडित जी, शास्त्रों को जानने वाले पुरुषों से क्या तात्पर्य है? ऐसे वक्ता ऐसे साधु जो सच्चे धर्म का उपदेश देते हों वे हैं उनके जानने वाले पुरुष। जब वक्ता या साधु सही उपदेश नहीं देंगे तो फिर आपका श्रद्धान या ज्ञान सही कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए पहला कारण बताया सच्चे शास्त्र, और दूसरा कारण बताया उन सच्चे शास्त्रों को जानने वाले पुरुष। आजकल ऐसे पुरुष बहुत से हैं जो एकांतवाद का निरूपण करते हैं, जिनको स्वयं वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं मालूम, अगर उनके शिविर में हम जाएं, उनके शास्त्र को हम पढ़ें, तब उनके पढ़ने से हमारा सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए शास्त्रों का सही अध्ययन करने वाले ऐसे जो भी साधु हों पंडित हों पुरुष हों जो भी हों वे भी सम्यक्तम कारण हैं, क्योंकि उनके वचन सुन के अपना श्रद्धान मजबूत होता है। पंडित जी, चारों गतियों में किन किन बहिरंग कारणों से सम्यक दर्शन होता है? आचार्यों ने नरक गति में जाति स्मरण से, वेदनानुभव से और तीसरे नरक तक देवों के उपदेश से सम्यक्त होना बताया है। तीन बहिरंग कारण हैं। त्रिंशों में जातिस्मरण उपदेश
और कथनचित जिन बिंब दर्शन मुख्यतया जातिस्मरण और उपदेश के द्वारा मनुष्यों में जातिस्मरण से उपदेश से और जिन बिंब दर्शन से सम्यक्त होता है और देवों में जातिस्मरण से उपदेश से जिन बिंब दर्शन से जिन महिमा दर्शन से देव ऋद्धि दर्शन से सम्यक्त होता है ये सब चारों गतियों के बैरंग कारण हैं। ये मिले और इनके मिलने के बाद हमारा चिंतन बिल्कुल उपयुक्त सही सही हो जाए तब तो ये कारण रूप कार्य हो जाता है अन्यथा नहीं होता। ये तो मात्र साधन है, साधना हमको करनी होती है। पंडित जी सम्यक कितने प्रकार का होता है और हमें कौन कौन से हो सकते हैं? आत्मा में सम्यक गुण के उत्पत्ति में विरोधी हैं सात प्रकृतियां अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। इन सात प्रकृतियों का उपशम हो जाए, ये सात प्रकृतियां दब जाएं और आत्मा में सम्यक तो हो जाए तो वो कहलाता है औपशमिक सम्यक। तो इन सात में से अनंतानुबंधी मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात् का अनुदय रहे अर्थात ये अन्य रूप उदय में आए और सम्यक प्रकृति का उदय हो तब होता है छायोपशमिक सम्यक दर्शन। ये छायोपशमिक सम्यक दर्शन पूर्ण शुद्ध नहीं होता, अशुद्धि लिए हुए सदोष होता है। और अगर इन सातों प्रकृतियों का कोई नाश कर दे तब होता है क्षय होने से क्षायिक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तीन प्रकार का, सात प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक, क्षय का अनुदय सम्यक प्रकृति के उदय से छायोपशमिक और सातों के नष्ट हो जाने से क्षय हो जाने से छायिक सम्यक दर्शन होता है। वर्तमान में हम मनुष्यों के औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन संभव है, छायिक सम्यक दर्शन नहीं। क्यों? क्योंकि छायिक सम्यक के लिए केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए, वर्तमान में हमारे भाग्य में वो नहीं है। अतः हमें अगर सम्यक दर्शन होगा तो औपशमिक और छायोपशमिक हो सकता है। पंडित जी चारों अनुयोगों में से कौन से अनुयोग के अध्ययन करने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है? चारों ही अनुयोग सम्यक प्राप्ति में कारण है। कुछ लोगों की वर्तमान में धारणा ऐसी बनी है कि द्रव्यानुयोग सम्यक प्राप्ति में कारण है और वो निरंतर द्रव्यानुयोग में लगे रहते हैं। नहीं, उनकी धारणा गलत है। मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर आपने चारों अनुयोगों का विधिवत स्वाध्याय नहीं किया तो आप द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय सही नहीं कर सकते। आप देखिए जहाँ सम्यक्त के दश भेद लिखे हैं वहाँ स्पष्ट लिखा है प्रथमानुयोग के पढ़ने से जो सम्यक दर्शन होता है वह उपदेश सम्यक्त है, चरणानुयोग के पढ़ने से जो सम्यक दर्शन होता है वह मार्ग सम्यक्त है, करणानुयोग के पढ़ने से जो सम्यक दर्शन होता है सूत्र सम्यक्त है। तो फिर केवल द्रव्यानुयोग को क्यों मानते हैं? नहीं, चारों अनुयोगों के शास्त्र सम्यक्त प्राप्ति में कारण है यदि उनका स्वाध्याय ढंग से किया जाए, अपने पक्ष को या मनमाने ढंग से न किया जाए तो। इसलिए चारों अनुयोगों का स्वाध्याय विधिवत करना चाहिए, सम्यक प्राप्ति में कारण चारों अनुयोग। निष्कर्ष, इसलिए सच्चे शास्त्रों को पढ़ें और जो निर्ग्रंथ वीतरागी साधु हैं उनके उपदेश को सुने तो हमें सम्यक जरूर प्राप्त होगा। हमें उम्मीद है आप सब इसमें लगेंगे। आइए, जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती सरिता अरविंद जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती अमृता जैन धुले महाराष्ट्र, दाहीबेन कस्तूरचंद शाह कडियादरा, श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी जैनम बोरीवली मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जैन, पुत्र दीपक जैन, अभिषेक जैन, पुत्र वधु श्रीमती सानिका जैन, पौत्री हवि जैन, सेक्टर 21 गुड़गांव हरियाणा,
श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी दीपक जैन, नितिन निधि जैन यूएसए, नीलू आशीष जैन, इशिता ईशान आरिश, राजविला 22/A, गीतानगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती रविकांत जैन, कलकत्ता वाले, जैनेन्द्र कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, रोहिणी, दिल्ली। पुष्पा जैन, अर्चना जैन, आरती जैन, अमन जैन, रोमित जैन, आरव जैन, चामुनिया परिवार, टोंक, राजस्थान। श्रीमती हीरा देव, कमला देवी, शोभा देवी, मीना देवी, इंदिरा देवी छाबड़ा एवं सोमी देवी, कलकत्ता। श्रीमती मनभरी देवी, चंदा देवी, शोभा देवी छाबड़ा, सुलोचना बाकलीवाल, सरोज सेठी एवं मीना पाटोदी, जियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव, कलकत्ता। टीकम सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत, बेंगलोर। बाबूलाल शकुंतला, कलकत्ता। अरविंद रेणु एवं यशवर्धन, बेंगलोर। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।